उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गजा में फंसे कैनेडियन शहरी हुकूमत से मायूस, कैनेडियन हुकाम का कहना है कि गजा में फंसे कैनेडियन शहरियों का इनखिला मंगल तक शुरू किया जा सकेगा। कैनेडा के दो दर्जन से जायद शहरों में फलस्तीनियों की हिमायत में रैलियों का इनेकाद। कैनेडा में सिख रहनुमा के कत्ल का मामला, भारतीय हाई कमिश्नर का कहना है कि आला सतह के कैनेडियन अहदेदार ने नुकसान पहुंचाया। कैनेडा हरदीप सिंह निजर के कत्ल में नई दिल्ली के मुलविस होने के सबूत पेश करे। होम हीटिंग ऑयल पर कार्बन टैक्स का निफास मायने खेज है। कैनेडियन हाउसिंग मिनिस्टर का कहना है कि ओपोजिशन की तनकीद समझ से बालातर है, हुकूमती फैसले से आवाम को फ़ायदा होगा। ज़ेलेंस्की का ट्रंप को दौरा यूक्रेन का मशवरा। यूक्रेनी सदर का रूस के खिलाफ जारी जंग के लिए मजीद इमदाद का मुतालबा। ज़ेलेंस्की का कहना है कि ट्रंप को 24 मिनट के अंदर जंग की नौयत समझा सकता हूँ। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Canada ki hukumat ka kehna hai ki Gaza mein maujood Canadian mangal tak wahan se nikalna shuru kar sakte hain. Gaza mein phanse Canadian shahriyon ke rishtedaron ka kehna hai ki hamari hukumat ne hame nakaam kar diya hai. ये बहुत मायूस कुन वक्त है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत का कहना है कि गजा में मौजूद कैनेडियन मंगल तक वहां से निकलना शुरू कर सकते हैं। गजा में फंसे कैनेडियन शहरियों के रिश्तेदारों का कहना है कि हमारी हुकूमत ने हमें नाकाम कर दिया है, ये बहुत मायूस कुन वक्त है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने कहा कि जंग जदा गजा में मौजूद कैनेडियन मंगल को जल्द अज जल्द रवाना हो सकते हैं, बशर्तिया मिस्र में सरहदी गुजरगाह दोबारा खुल जाए। GAC ने एक बयान में कहा, कनाडा के शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और अहले ख़ानदान के अफराद की रवानगी अब आर्जी तौर पर मंगल 7 नवंबर से शुरू होने वाली है। ताहम सरहद की दोबारा खुलने तक ये तब्दीली जारी रहेगी। ये ऐलान उस वक्त सामने आया है जब गजा की पट्टी को मिस्र से तकसीम करने वाली सरहद के साथ साथ रफा क्रॉसिंग और जंग जदा फलस्तीनी इलाके से निकलने वाला वाहिद ज़मीनी रास्ता जो इसराइल के कंट्रोल में नहीं है, इतवार को बंद रहा। इस पेशरफ्त ने सैकड़ों कैनेडियंस को छोड़ दिया है जो गजा छोड़ना चाहते हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने पहले उन्हें बताया था कि उन्हें इतवार तक मिस्र में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन क्रॉसिंग पूरे हफ्ते के आखिर में बंद रही। ग्लोबल अफेयर्स का कहना है कि वो कम अज़ कम 516 कैनेडियन शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और ख़ानदान के अफराद से रबते में हैं जो महसूर इनक्लेव में फंसे हुए हैं। GAC ने जुमे के रोज़ कहा था कि उसने 450 के इलाकाई शराकत दारों को करीब अहले कैनेडियन शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और ख़ानदान के अफराद की फहरिस्त फराहम की है जो गजा छोड़ना चाहते हैं, और उन्हें बता रहे हैं कि वो इतवार के रोज़ जल्द मिस्र में दाखिल हो सकते हैं। फलस्तीनी क्रॉसिंग अथॉरिटी के एक तर्जुमान ने कहा कि गजा में हुकाम ने गैर मुल्की पासपोर्ट रखने वालों को वीकेंड पर जाने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि इसराइल मिस्र में इलाज के लिए फलस्तीनी मरीजों को निकालने से रोक रहा है। गजा की वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल कदरा ने 400 शदीद जख्मियों को रफा के रास्ते गजा से निकलने के लिए महफूज रास्ता फराहम करने का मुतालबा किया है और कहा है कि अस्पतालों में ईंधन की आखिरी सप्लाई तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। दूसरी जानिब कनाडा के दो दर्जन से ज़ायद शहरों में फलस्तीनियों की हिमायत में रैलियों का इनेकाद किया गया। मुजाहरीन ने गुज़िश्ता माह जंग शुरू होने के बाद इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा किया है।
ये रैलियां ऐसे वक्त में निकली हैं जब अमेरिका और अरब शराकत दार गजा में फौरी जंगबंदी की जरूरत पर मुत्तफिक नहीं थे, क्योंकि इजरायली फौज ने हमास के हुक्मरानों को कुचलने के लिए अपने हमले जारी रखे हुए थे। कनाडा में ये मुजाहरे टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ओटावा और फ्रेडरिकटन समेत शहरों में हुए। फलस्तीनी यूथ मूवमेंट की जानिब से मुजाहरों के कौमी दिन की कॉल के बाद शुरू किए गए। टोरंटो में दसियों हजार फलस्तीनी हामियों ने अमरीकी कौंसल खाने के बाहर यूनिवर्सिटी एवेन्यू की कतार में खड़े होकर झंडे और निशानात उठा रखे थे, जिसमें वाज़ह पैगाम था कि अब जंग बंदी की जरूरत है। अलहदगी पसंद सिख रहनुमा कत्ल के तकरीबन 5 माह बाद कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस कत्ल से मुतालिक कनाडा की पुलिस की तहकीकात को आला सतह के कैनेडियन अहदेदार ने नुकसान पहुंचाया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ब्रिटिश कोलंबिया में अलहदगी पसंद सिख रहनुमा कत्ल के तकरीबन 5 माह बाद कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस कत्ल से मुतालिक कनाडा की पुलिस की तहकीकात को आला सतह के कैनेडियन अहदेदार ने नुकसान पहुंचाया है। संजय कुमार वर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा और कहूंगा कि तहकीकात पहले ही दागदार हो चुकी हैं। कनाडा हरदीप सिंह निजे के कत्ल में नई दिल्ली के मुलविस होने के सबूत पेश करे। उनका कहना था कि आला सतह पर किसी की तरफ से ये हिदायत आई है कि इसके पीछे भारत या भारतीय एजेंट है। भारतीय सिफारतकार ने इस आला सतह के अहदेदार का नाम नहीं लिया। उनका मजीद कहना था कि कनाडा और उसके इत्तेहादियों की जानिब से इंडिया को ठोस सबूत नहीं दिखाए गए कि हरदीप सिंह के कत्ल में इंडियन एजेंट्स मुलव्वस थे। संजय कुमार वर्मा के मुताबिक इस मामले में कोई खास या मुतालिका मालूमात फराहम नहीं की गई जिनमें हम उनकी तहकीकात में मदद कर सकें। इंडियन हाई कमिश्नर ने कहा कि वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के बयानात से कत्ल की तहकीकात को नुकसान पहुंचा है। 18 सितम्बर को वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडा की सिक्योरिटी एजेंसियाँ भारतीय हुकूमत के एजेंट्स हरदीप सिंह निजे के कत्ल के दरमियान मुमकिन ताल्लुक के मोतबर इल्जामात के मुस्तादी से पैरवी कर रही हैं। इस मामले ने दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती तनाजे को जन्म दिया। कनाडा ने 41 सिफारतकारों को भारत से उस वक्त वापस बुला लिया जब सितंबर में भारत ने कनाडा से कहा कि वो हरदीप सिंह निजर के कत्ल के इल्जामात के बाद अपनी सिफारती मौजूदगी कम करे। कनाडा के हाउसिंग मिनिस्टर शॉन फ्रेजर का कहना है कि होम हीटिंग ऑयल पर कार्बन टैक्स का निफास मायने खेज है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के हाउसिंग मिनिस्टर शॉन फ्रेजर का कहना है कि होम हीटिंग ऑयल पर कार्बन टैक्स का निफास मायने खेज है, क्योंकि दीगर हुकूमती इकदामात ने कीमतों की तरकीब की ज़रूरत को कम कर दिया है, क्योंकि फरीकैन इस तस्ना को बढ़ाने के लिए एक गैर पाबंद तहरीक पर लड़ने के लिए तैयार है। एक इंटरव्यू में फ्रेजर ने कहा कि घर को गर्म करने वाले तेल को खास तौर पर निशाना बनाना समझ में आता है, क्योंकि यह हरारत की ज्यादा महंगी, ज्यादा आलूदगी फैलाने वाली शक्ल के तौर पर खड़ा है। शॉन फ्रेजर ने कहा कि जब घर को गर्म करने वाले तेल की बात आती है तो उसकी वजह यह है कि हम इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं और आप उन माहौलियाती और माली बचतों को देखते हैं। एक ही पॉलिसी ईंधन के मुख्तलिफ ज़राए पर लागू करने का कोई मतलब नहीं होगा। शॉन फ्रेजर ने इस्तदलाल किया कि 3 साल के वक्फे के साथ साथ ऐलान करदा दीगर इकदामात जो बहुत से कैनेडियंस के लिए हीट पंप्स को बहुत सस्ता या मुफ्त बना देंगे। इसका मतलब है कि अब घरेलू हरारती अखराज पर मार्केट की कीमत के जरिए ज्यादा मौसर टेक्नोलॉजी पर स्विच करने की तरकीब देने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर के आखिर में वफाकी हुकूमत के ऐलान के वो घरेलू हरारती तेल पर कार्बन टैक्स को 3 साल के लिए रोक देगी पे वजीर आजम और हिजब इख्तलाफ के सियासतदानों की तरफ से घर को गर्म करने की तमाम इकसाम तक इस तस्ना को वसत देने के मुतालबात को जन्म दिया है। सैस्केचवान में कदामत पसंद रहनुमा पियर पॉलिवर ने टैक्स की मजम्मत की और उसकी मुखालफत में सूबाई हुकूमत के इकदाम की तारीफ की। पियर पॉलिवर ने 3 साल इस तस्ना को धोखा करार दिया, जिसका मकसद बहरे ऑकियानूस के कैनेडियन को लिबरल को वोट देने पर राजी करना था। हालिया इंतखाबात बताते हैं कि हुकूमत करने वाली पार्टी एक ऐसे खत्ते में जद्दोजहद कर रही है जो उसकी रिवायती ताकत की बुनियाद का हिस्सा है। शॉन फ्रेजर ने कहा कि वो उस दलील से मुत्तफिक नहीं है कि हुकूमत का फैसला सियासी तौर पर मुहर्रिक था। ये नोट करते हुए कि दीगर सरकारी प्रोग्राम्स के पूरे मुल्क में गैर मुतनासिब असरात हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद का जवाब देते हुए उन्हें यूक्रेन का दौरा करने का मशवरा दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद का जवाब देते हुए उन्हें यूक्रेन का दौरा करने का मशवरा दे दिया। यूक्रेनी सदर ने हालिया इंटरव्यू में कहा कि अगर अमरीका ने इमदाद का बंदोबस्त नहीं किया तो जंग में शामिल उसके अपने फौजी रूस के साथ एक बड़े यूरोपीय तनाजे में गिर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीका से मुतालबा किया है कि वो रूस के खिलाफ जारी जंग के लिए मजीद इमदाद फराहम करे। उन्होंने कहा कि अगर रूस हम सबको कत्ल कर देता है तो फिर वो नेटो में शामिल ममालिक पर हमला आवर होगा
और फिर आप लोग अपने बेटों और बेटियों को जंग के लिए भेजने पर मजबूर हो जाओगे। इंटरव्यू में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन का दौरा करने का मशवरा दिया ताकि वो अपनी आंखों से जंग होने वाली तबाही देख सके। यूक्रेनी सदर ने इंटरव्यू में साबिक सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर वो यहाँ का दौरा करें तो मैं 24 मिनट के अंदर उन्हें जंग की नौयत समझा सकता हूँ जो वो तस्वुर नहीं कर पा रहे। वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के होते हुए अमन नहीं ला सकते। 2024 में सदारती दौड़ में शामिल होने वाले डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को सपोर्ट करने पर जो बाइडन इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो रूस यूक्रेन जंग 24 घंटे के अंदर ख़त्म करवा सकते हैं। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।